गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल और उससे पहले की जो क्लासें रही हैं, हमने उसमें राजनीति शास्त्र के अर्थ और प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया है, क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है। अर्थ के बारे में जहां तक हम बात करते हैं, मैंने जितनी भी क्लासें ली हैं सब में मैंने आपसे कहा कि मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, शासन करने की नीति का, शासन से संबंधित क्रियाकलापों का, नीति निर्माण का अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र। परिभाषाओं के संबंध में भी मैंने आपसे दो प्रकार के दृष्टिकोण बताए थे, एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बाद में मैंने परिभाषाएं भी आपको वर्गीकृत रूप में बताई कि परंपरावादी राज्य के रूप में, सरकार के रूप में, राज्य व सरकार के रूप में परिभाषाओं को देते हैं, जबकि आधुनिक विद्वान जो है वो राज्य और सरकार के अध्ययन को मानव के व्यवहार के साथ में जोड़कर देखते हैं। मानवीय तत्वों की जो उपेक्षा की गई थी परंपरागत दृष्टिकोण में, उसको उस दृष्टिकोण को छोड़ते हुए वो क्या करते हैं, मानवीय पक्ष को साथ में लेकर चलते हैं और मानवीय समस्याओं के अध्ययन को राजनीति शास्त्र के अध्ययन में शामिल करते हैं और परिभाषाएं भी उसी प्रकार से वो देते हैं। क्षेत्र के बारे में मैंने आपसे कहा कि परंपरावादी तो केवल राज्य का, सरकार का, राज्य सरकार का, व्यक्ति का, संप्रभुता का, धर्म का, सहिष्णुता का, नैतिकता का, इसका अध्ययन बताते हैं वो राजनीति शास्त्र को, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्र जो है वो नीति निर्माण की प्रक्रिया से लेकर या मानव के राजनीतिक व्यवहार से लेकर जितने भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन सबके अध्ययन को, समस्त राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। प्रकृति के बारे में हमने जो लास्ट क्लास ली थी, उस प्रकृति में मैंने आपसे कहा था कि राजनीति शास्त्र की प्रकृति का मतलब है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो विज्ञान की तरह बिहेव करता है। यदि राजनीति शास्त्र विज्ञान की तरह अपना व्यवहार प्रकट करता है तो इसका मतलब वह विज्ञान है। लेकिन मैंने आपसे लास्ट में ये कहा था कि विज्ञान जैसे लक्षण होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जैसा विज्ञान आचरण करता है राजनीति शास्त्र वैसा आचरण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी विषय वस्तु में फर्क देखने को मिलता है। विज्ञान में जो प्रयोग होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं के ऊपर किए जाते हैं, एक निश्चित स्थान में प्रयोगशाला स्थापित की जाती है और उसमें प्रयोग जो है वो साइंटिस्टों के माध्यम से या विषय को पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं या जो पढ़ाने वाले होते हैं वो प्रयोग और परीक्षण करके बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समुदाय है, संपूर्ण विश्व उसके लिए प्रयोगशाला का स्थान है और मानव पर वहां पर क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं का व्यवहार एक जैसा हो सकता है लेकिन मानव, समस्त मानवों का व्यवहार एक जैसा हो यह संभव नहीं है, इसलिए उनके ऊपर बार बार प्रयोग और परीक्षण करना संभव नहीं होता। इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, वो तर्क भी देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आखिर में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीति शास्त्र जो है वो वैसा विज्ञान नहीं हो सकता जैसा कि विज्ञान होता है, जैसे प्रयोग परीक्षण, जैसे निष्कर्ष, जैसी भविष्यवाणियां, जैसे सर्वमान्य तथ्य उसमें होते हैं विज्ञान में, वैसे राजनीति शास्त्र में नहीं होते। तो आज हम इसमें एक दूसरा पहलू है राजनीति शास्त्र की प्रकृति के संबंध में, और वो पहलू है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। कुछ विद्वान बकल, बर्क, बियर्ड, ग्रोगन, मोस्का, मैटलैंड, कैटलिन, कामटे, ये सभी विद्वान राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते और अपनी तरफ से ये कहते हैं कि यह तो कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। तो वैज्ञानिकता के संबंध में जो तर्क पड़े थे उसके बाद में हम वैज्ञानिकता के विरुद्ध जो तर्क दिए गए हैं आज उनकी बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं सर्वमान्य तथ्य क्या विज्ञान की तरह राजनीति शास्त्र में होते, तो हम कह सकते हैं कि सर्वमान्य तथ्यों का अभाव पाया जाता है, या ये जो विद्वान वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क दे रहे हैं वे साफ कहते हैं कि तथ्य का मतलब होता है कि 100% सत्य, अगर ऐसी चीजें राजनीति शास्त्र में है तभी वो विज्ञान हो सकती है, वरना वो विज्ञान नहीं होती। बहुत सारी चीजें हमको राजनीति शास्त्र में देखने को मिलती है जिनके ऊपर विद्वानों में मतभेद देखने को मिलते हैं,
कोई कुछ विद्वान लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताते हैं तो कुछ विद्वान उसे मूर्खों का शासन कहते हैं, संसद को बाथरूमी लोगों की दुकान कहते हैं, अलग अलग तरह की बातें जो है वो देखने को मिलती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे सर्वमान्य तथ्य विज्ञान में होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गणित शास्त्र में दो और दो मिलाकर चार ही होते हैं, 22 नहीं हो सकते, 2+2=4 ही होंगे। रसायन शास्त्र में अगर हम देखें तो D2O क्या होता है, भारी पानी, H2O सामान्य पानी जो होता है, तो वो सर्वमान्य अपने आप में उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राजनीतिक शास्त्र में ऐसे सर्वमान्य तथ्यों का अभाव होता है जिनके ऊपर 100% लोग जो है वो परस्पर क्या हो, सहमत हो। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि राजनीति शास्त्र में गणित के दो और दो के सिद्धांत का पालन होता है, तो भौतिक शास्त्र में गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, रसायन शास्त्र में H2O पानी जैसा सर्वमान्य तथ्य पाया जाता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो द्विसत्तात्मक व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं और कुछ विद्वान क्या करते हैं, एक सत्तात्मक व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अर्थ को लेकर, इसकी परिभाषा को लेकर, इसकी शब्दावली को लेकर, इसके सिद्धांतों को लेकर, इसको स्वायत्त विषय बनाने के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद रहे हैं। दूसरा बिंदु, कार्य कारण में संबंध। जैसे विज्ञान में क्या होता है कि आपसे कोई पूछे कि पानी क्यों बना, तो आप कहोगे कि दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु मिलाया इसलिए पानी का निर्माण हुआ। लेकिन राजनीति शास्त्र में किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे एक सामान्य से उदाहरण ले लेते कि 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, तो इस साम्यवादी क्रांति के पीछे कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, बहुत सारे और भी कारण उत्तरदायी थे। कोई विद्वान किसी कारण पर बल देता है, कोई विद्वान किसी कारण पर बल देता है। जैसे 1857 की जो क्रांति, जिसका अध्ययन हम भारत के संवैधानिक विकास के अध्ययन में करते हैं, उसमें भी क्या होता है कि तात्कालिक रूप से कारण अलग बताया गया और अन्य कारण जो है वो अलग बताए गए। तो हम कह सकते हैं कि कार्य कारण में संबंध तो होता है, लेकिन किसी घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं होता जैसा कि विज्ञान में होता है। अचूक माप की कमी, इसका मतलब है कि मानव के व्यवहार को, मानव के राजनीतिक व्यवहार का मापन करना संभव नहीं है। प्रयोगशाला में हम जो उपकरण होते हैं उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी भी चीज को, लेकिन इसमें जैसे तुल्यांकी भार अपन पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल होती है उसको हम देखते हैं, तुल्यांकी भार होता है विज्ञान में, लेकिन इसमें इस तरह की स्थिति नहीं होती कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का मापन अपन कर सके। मानव के राजनीतिक व्यवहार का मापन करना संभव नहीं होता है राजनीतिक शास्त्र में, क्योंकि मानव का राजनीतिक व्यवहार जो है वो अलग अलग तत्वों से प्रभावित होता है। वोट देने के अधिकार का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे इस राजनीतिक अधिकार को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं। इसलिए जैसा अचूक माप या जैसी अचूक मापन की क्षमता विज्ञान में होती है, वैसी अचूक मापन की क्षमता राजनीतिक शास्त्र में नहीं होती। इसके अलावा परीक्षण, प्रयोग, परीक्षण, पर्यवेक्षण का अभाव पाया जाता है। विज्ञान में प्रयोग होते हैं, परीक्षण होते हैं, सर्वमान्य परिणाम निकाले जाते हैं, लेकिन राजनीतिक शास्त्र में हम मानव के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसा निकले यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर मानव का राजनीतिक व्यवहार क्या होता है, अलग अलग तत्वों से प्रभावित होता है। इसलिए जैसे प्रयोग और परीक्षण प्रयोगशाला में बैठकर निर्जीव वस्तुओं के ऊपर निश्चित उपकरणों के माध्यम से किए जा सकते हैं, वैसे प्रयोग और परीक्षण यहाँ पर संभव नहीं है। इसके बाद भविष्यवाणी करने की क्षमता का भी अभाव पाया जाता है राजनीति शास्त्र में, जबकि विज्ञान में हम आसानी से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमने दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु मिलाया इसलिए पानी का निर्माण होगा। लेकिन क्या ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं विज्ञान में? भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन उस भविष्यवाणी के पुख्ता होने का कोई भी हम तर्क नहीं दे सकते, क्योंकि वो सत्य साबित हो सकती है और वो नहीं भी हो सकती। जैसे चुनाव से पहले न्यूज चैनल्स के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे सर्वे आते हैं, उन सर्वे में बताया जाता है, एक तो चुनाव से पहले होता है, एक चुनाव के बाद में होता है, तो उन सर्वे में भी क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है, और कई बार क्या होता है वो सर्वे सही भी हो जाते हैं और कई बार वो सर्वे गलत भी साबित हो जाते हैं।
तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन वैसी भविष्यवाणी नहीं कर सकते जैसे कि विज्ञान में की जाती है। इसके अलावा परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों को लेकर भी राजनीति शास्त्र के विद्वानों में मतैक्य नहीं है, इनके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अध्ययन विषय, राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन विषय है वह आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है, वस्तुपरक होता है, उसमें आत्मपरकता का कोई भी महत्व नहीं होता। विज्ञान वस्तुपरक होता है और इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हैं, अपने कार्यों को करते रहते हैं। मतलब मूल्यों का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, वहां पर प्रयोग और परीक्षण निर्जीव वस्तुओं पर किए जाते हैं और परिणाम निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मूल्यों की और नैतिकता की बात की जाती है तो वो अध्ययन जो है वो वस्तुपरक किसी भी स्थिति में नहीं बन सकता। तो इसलिए ये सारे तर्क हम देखते हैं जो वैज्ञानिकता के विरुद्ध पाए जाते हैं। अब जैसे एक चीज मैंने आपसे यहाँ पर कही कि भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, तो बर्क यहाँ पर क्या कहता है इस संबंध में कि राजनीतिक शास्त्र में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विज्ञान में भविष्यवाणी हो सकती है लेकिन राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि विज्ञान जैसा ज्ञान, क्रमबद्धता, सिद्धांतों पर पकड़ और भविष्यवाणी करना, प्रयोग करना, परीक्षण करना, ये सब एक बार अपन कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते जैसे कि विज्ञान कर सकता है। राजनीतिक शास्त्र के विज्ञान होने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है, राजनीतिक शास्त्र के विज्ञान होने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। ये विज्ञान कब बनेगा इसकी कोई भी निश्चित तिथि हम किसी को भी नहीं बता सकते। मैंने आपसे पहले लेक्चर में ये कहा था कि इसके नाम को लेकर, इसकी परिभाषा को लेकर, इसके क्षेत्र को लेकर, इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है, राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। इसके अलावा एक और चीज की मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पर कि मैटलैंड एक विद्वान है, मैटलैंड ये कहता है कि जब मैं राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र को देखता हूँ, तो मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता बल्कि इसके शीर्षक पर खेद होता है, जो कि क्या है, राजनीति विज्ञान है। तो मैटलैंड साफ कह रहे कि राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र को देखने पर प्रश्नों पर दुख नहीं होता बल्कि दुख इसके नाम के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि वो क्या नहीं मानते, इसको विज्ञान नहीं मानते। इसके अलावा एक और विद्वान है और उस विद्वान का नाम है बर्क। बर्क कहते हैं जैसे सौंदर्य शास्त्र को हम विज्ञान नहीं कह सकते, वैसे ही राजनीति शास्त्र को हम विज्ञान नहीं कह सकते। तो हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि यह विज्ञान नहीं है और कल हमने पढ़ा था कि यह विज्ञान है। अब आने वाले लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि राजनीति शास्त्र अगर विज्ञान नहीं है तो फिर वो क्या है, क्या वो कला है, क्या वो दर्शन है, क्या वो विज्ञान, कला और दर्शन तीनों है। धन्यवाद।